मारवाड़ी विकास ट्रस्ट समाज के सभी वर्गों के लिए एक प्रस्तावित सुंदरतम 100 कमरे का वैवाहिक रिजॉर्ट धनबाद के हृदय स्थल राज आंगन परिसर में बनाने हेतु कटिबद्ध है एवं इस क्रम में 1,44,000 स्क्वायर फीट के निर्माण में अभी तक लगभग 36,000 स्क्वायर फीट के रेफर्ड यानी बुनियाद के पूर्ण होने के कगार पर पहुँच चुका है। ट्रस्ट के 600 ट्रस्टीगण के पूर्ण प्रयास एवं समाज से लगातार आर्थिक सहयोग प्राप्त हो रहा है। उम्मीद की जा रही है कि अगले 2 वर्षों में यह रिजॉर्ट समाज को समर्पित किया जा सकेगा। समय समय पर आर्थिक सहयोग हेतु ट्रस्ट द्वारा नई नई स्कीम प्रस्तुत की जाती है। जैसा कि सभी को ज्ञात है कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार हमारे पूर्वजों की आत्माएँ 15 दिवसीय पितृपक्ष उत्सव मनाने हेतु पृथ्वी पर आती है एवं इस दौरान जो भी व्यक्ति अपने पितरों के लिए विशेष पूजा श्राद्ध क्रम एवं दान करता है उनको दीर्घायु पुत्र पौत्रादि या स्वर्ग पुष्टि आत्मबल लक्ष्मी सुख साधन धन्य धान्य से परिपूर्ण होने का पूर्वजों से आशीर्वाद मिलता है। ट्रस्ट ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए सर्वसहमति से निर्णय लिया है कि 1 कमरा माँ या पूर्वजों के नाम 3 लाख दान राशि देकर ट्रस्ट को आर्थिक सहयोग करते हुए अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति हेतु ट्रस्ट द्वारा प्रस्तावित सामाजिक रिजॉर्ट जो कि वर्षों तक समाज के हित में कार्य करने की आशा रखता है उसे आर्थिक सहयोग करने की अपील करते हैं। स्कीम केवल पितृ उत्सव हेतु लाई गई है जिसके अंतर्गत सहमति की अंतिम तिथि 2 अक्टूबर रखी गई है। इस स्कीम के अंतर्गत समाज के 23 सम्मानित सदस्यों ने अभी तक अपने पूर्वजों के नाम 1 कमरे की दान राशि देने की सहमति प्रदान कर चुकी है एवं यह उम्मीद की जा रही है कि अधिक से अधिक सामाजिक सम्मानित सदस्यों द्वारा इस स्कीम के अंतर्गत दान देने की संभावना है। समाज के सभी बंधुओं से करवद्र प्रार्थना है कि अपने पितरों की याद एवं सम्मान में 1 कमरे की दान राशि देकर समाज के प्रस्तावित रिजॉर्ट को आर्थिक सहयोग देने की कृपा करें ताकि आपके समाज का सपना जल्द से जल्द पूर्ण हो सके। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री अनिल मुकीम, वरीय सलाहकार श्री योगेंद्र तुलसियान, सलाहकार श्री बाबूलाल अग्रवाल, सलाहकार विनोद तुलसियान, सचिव श्री विनोद पसारी, उपाध्यक्ष चेतन गोयंका, उपाध्यक्ष श्री डीएन चौधरी, सह सचिव अनिल गुप्ता, सह सचिव शंकर नारनोली, कोषाध्यक्ष श्री श्याम पसारी, कोषाध्यक्ष श्री वेद प्रकाश केजरीवाल, विजय हाडोदिया, जितेंद्र अग्रवाल, सुरेश पोधार, कुलदीप अग्रवाल, बसंत हेलीवाल आदि। पूरी झारखंड का एक बहुत बड़ा ट्रस्ट और आज की इस प्रेस वार्ता में आप सभी बंधुओं को लाने का एक ही उद्देश्य है कि हम लोग जिस काम को जिस भागवत काम को अपने माथे पर लिए हैं उसमें आप सभी की सहयोगिता अपना स्थान रखती है और उस स्थान रखने में हम लोग जल्द से जल्द मारवाड़ी विकास ट्रस्ट की जो प्रस्तावित रिजॉर्ट है इसको समाज के सामने रखने का प्रयास करेंगे। आपको मालूम होगा कि 100 कमरे का ये रिजॉर्ट जिसमें 10,000 स्क्वायर फीट का बैंकेट हॉल, 10,000 स्क्वायर फीट का लॉन, क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, पूरे रिजॉर्ट की जितनी भी एमिनिटीज होती है वो सारी एमिनिटीज यहाँ रहेगी और समाज के हर बंधु हर परिवार कम से कम पैसे में अपने बच्चे बच्चियों की शादियाँ इस रिजॉर्ट के माध्यम से कर पाएंगे। सबका सपना पूरा होगा। अर्थ के अभाव में लोग रिजॉर्ट की एमिनिटीज को अवेल नहीं कर पाते हैं और उसी की सोच को आगे बढ़ाते हुए मारवाड़ी विकास ट्रस्ट ने यह योजना बनाई और इस योजना के अंतर्गत जमीन लेने के बाद 1,44,000 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन है। ये कंस्ट्रक्शन कोई छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन नहीं है, 1,44,000 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन है जिसमें जो नींव है इसकी फाउंडेशन है
इसको रैफ्ट कहते हैं। रैफ्ट इसलिए कहते हैं कि इसके ऊपर जो हॉल बनेगा बैंकेट हॉल, उसमें एक भी पिलर नहीं होगा। यह पूरे झारखंड के अंदर में ऐसा कोई रिजॉर्ट नहीं है जिसमें पिलर नहीं है, सारे पिलर वाले ही बैंकेट हॉल रहते हैं। हो तुम्हें बाप को कहने का मतलब, यदि भगवान हमारे माँ बाप है तो सारी बात यह है, तो माँ बाप को कहीं स्थान वहाँ भगवान से भी ऊपर दिया जा रहा है कि तुम्हें हमारे माँ हो, तुम्हें हमारे माँ। तो लोगों की ये जो भावना है सभी की रहती है। हम चाहते हैं कि अगले 15 दिन में इस समाज के इस विशेष कार्य के लिए उसका हम लोग सदुपयोग करें और लोग इस महती योजना में एक अपना अंशदान दे कर करके, जिसमें आपका सहयोग शायद सबसे महत्वपूर्ण होगा हमारी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो हम चाहते हैं कि ये 15 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने माँ बाप के प्रति कृतज्ञता का भाव इस दान स्वरूप इस यहाँ दे करके कमरे का प्रकट करें, इसीलिए आज का ये आयोजन किया गया है। और आप देख रहे हैं सब पर नज़र, धन्यवाद।